नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं S24 न्यूज। आइए जाने खबरें विस्तार से। मीडिया परिचय जानना चाहती है आपका। सजी ने आप हमारे यहाँ आए हैं तो परिचय देने में तो परिचय देंगे। मैं यहाँ, मेरा नाम शिवलाल झुमे, सरपंच जबेरा, ग्राम जबेरा भी है और जिला दमोह है। था मैं जब से सरपंच बना हूँ बस जीतने को जा रहा है। अभी तक हमारे पास कोई शिकायत भी नहीं है गाँव की और काम करने में भी अपनी अपनी आप समस्या के अनुसार वो पंचायत के अनुसार सभी अपने आए हुए प्रस्तावों के अनुसार काम हमारा जाए। मतलब मीडिया का क्वेश्चन है, विकास के कार्य में कुछ भ्रष्टाचार आड़े आ रहा है। यहाँ के आला अधिकारी वो कहना है कि साहब हमको कमीशन नहीं मिल पा रहा तो हमको विकास नहीं करना है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अभी तक तो हमने कोई कमीशन नहीं दिया, नहीं दिया कि अभी कोई विशेष काम भी नहीं हुआ। जब काम होगा तब हमारा उद्देश्य तो दूसरे प्रकार का है कि हम काम करेंगे तो सभी काम करेंगे। ना हम कमीशन देने वाले कमीशन बाजी क्या हम चले नहीं करते और ना दे पाएंगे, परंतु ये जरूर है कि समस्या आने पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपना उपाय लगाते और समस्या मूलक हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे विकासखंड में ये स्थिति उत्पन्न होती है तो हम आगे देखते हो कार्रवाई करने में सक्षम हैं और हम जो आगे बढ़ाते हैं करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार ये होता है तो हमारे देश में तरक्की के जो साधन बनाए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत लेवल से ग्राम स्तर तक गली गली ऊँचे सड़क नाली इत्यादि जो बनती है उसमें किसी प्रकार से हमारी सरकार जो खर्च कर रही है उस खर्च में हम यदि इस प्रकार की भ्रष्टाचार से मामले पैसे देते रहेंगे तो हमारा काम कैसे होगा। और यदि मान लो ऐसा करते रहेंगे तो हमें हमारे काम में बाधाएं उत्पन्न होगी और हम अंत तक स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हमारा काम विकास की हो जो था वो उल्टा हो जाए। मतलब आपके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं जब से आप चुने गए हैं, कितने ऐसे विकास कार्य अब तक ग्रामीणों के लिए? हमारे यहाँ के विकास कार्य जो चौराहे की पूजा निर्माण और लक्ष्मण दिवाली के रास्ते में एक पूजा निर्माण जो है दो कराए गए तो उसमें अच्छा काम हुआ है। अभी तक अच्छा संचालित हो रहा है। आने जाने का रास्ता गलत होता है, पढ़ने वाले छात्र विद्यार्थी या मोटरसाइकिल के बाद निकल के रास्ता है से तो समस्त जाती है और गिर भी पड़ती थी। यहाँ बाजू से रास्ता है लक्ष्मण दिवाली का तो उसमें बहुत बड़ी समस्या जाती है। पानी की निकासी पतली लाइन बनी है जो नालियाँ तो उसमें से पानी छिड़ करके और वहाँ भर जाता था तो बच्चे पढ़ने के लिए जाने से गड़बड़ हो जाती थी, समस्या हो जाती थी, गिर पड़ते थे, पढ़ना पाठित बाइक इत्यादि सब हो जाता गड़बड़। तो मैंने उसको अच्छा निर्माण कराया, हमारे लोगों ने सहयोग भी दिया, उसका उनको भी धन्यवाद देता हूँ, पंचों को भी धन्यवाद देता हूँ और समाज को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें उसका सहयोग देकर के उसका निर्माण करा दिया। और अभी आज तक उसका अभी कुछ अभी हिसाब अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो पंचायत की तरफ से उनकी ब्लाक स्तर पर जो हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनको अभी मान लो कुछ उनका दायित्व तो रहता है कि हमारे वहाँ कुछ लक्ष्मी जी की फोटो रखे हैं उनमें हमें चढ़ौती करो तो ये हम नहीं कर पाते। इसलिए हमने काम जो किया वो सही किया है, इसलिए हम उसको नहीं दे पाए। महोदय, बस स्टैंड में द्वार को लेकर कई सामाजिक संगठन विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं? बिरसा मुंडा वाले आदिवासी वर्ग कह रहे हैं कि वहाँ बिरसा मुंडा की जयंती लगनी चाहिए, SC वर्ग कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, अल्पसंख्यक वाले जैन समुदाय कह रहे हैं कि हमारा द्वार होना चाहिए, तो ये विवाद की स्थिति हो गई थी, इसमें क्या आपका सुझाव रहेगा? हमारा तो सुझाव ये है कि हम अभी तो ऐसे कामों के प्रस्ताव संबंधी जो आए हैं हमारे पास आवेदन, उन आवेदनों पर हमने अभी कोई विचार नहीं किया है। यदि मालूम विचार करते हैं तो अभी दो तीन समुदाय ऐसे हैं कि जिनकी हम मांग पूरी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी मांग पूरी किसी की भी समुदाय करते हैं, मान लो जैन समाज भी करते हैं या सामान्य वर्ग के लोगों भी करते हैं, ब्राह्मण समाज करते हैं, तो नरसिंह जवाली की मूर्ति है जो उसी मूर्ति को वहाँ स्थापित करना है या फिर जैन समाज करके महावीर का उन्हें फुहारा वगैरह और उनकी मूर्ति स्थापित करना है या अम्बेडकर जी की मांग आई थी हमारे वहाँ से जैन मोहल्ला से तो वो भी चाहते हैं कि अम्बेडकर जी मूर्ति स्थापित करो। तो ऐसी समुदाय में विवाद की स्थिति बनने के कारण हम विवाद को नहीं चाहते कि गाँव में मारा काटी हो। इससे बचने के लिए अभी इसमें कोई विकल्प नहीं निकाला है, ना हमने पंचायत संबंधी कोई प्रस्ताव आया है, ना हम रखते हैं ना हमने कोई प्रारंभ किया है। इस ग्राम पंचायत में और जनपद पंचायत में से लेकर जिला पंचायत दमोह तक ये है कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी के कारण ये विकास कार्य का एक ब्रेकर बन रहा है।
इसका निराकरण किस तरीके होना चाहिए, सरल शब्दों में आप कैसे जा चाहते हैं? हमारी सरकार चाहती है पैसा किसी भी माध्यम से, किसी भी मद का पैसा जो हमारे यहाँ का है, उस मद का पैसा उसी मद में ही नियमानुसार खर्च करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि वैसा ही हो। और यदि मान लो ऐसा नहीं होता है तो उस मद के लिए हम दूसरे मद को लेकर के अन्य और दूसरी मदों में खर्च कर लेते हैं। हम नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि उसमें आधन लगे, दिल में उड़ा जाए, जहाज में इसकी जाँच होती है कि आती है टीम और कैश में अपनी जाँच होती है, जब समस्या पैदा हो। मैं चाहता हूँ कि पैसा आया और हमारी पंचायत बड़ी पंचायत है, पैसा होता है। अभी जब 5 लाख का रुपये और आए हैं तो जिस काम के लिए आए हैं उसको खर्च करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, गुनावरी से करेंगे। और जो पैसा आए, क्योंकि गांव में हम भी रहते हैं ना, तो गांव में हम रहते हैं, तो गांव में रहने के कारण हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास आज तक अच्छे से नहीं हुआ। परंतु जब हम खुद चुनाव जीत गए तो हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में लोग अच्छे से रहें, अच्छे से जिए, और निकलने का रास्ता जो है नालियों का निर्माण है, अच्छे से आने जाने की सुविधा हो, बच्चे पढ़ने वाले हों, रोड सही हो, और नाली का निर्माण, कॉलेज का बहाव सही तरीके से जाए, गंदगी ना फैले, तो स्वच्छता का वातावरण बना रहेगा। और पैसा हमारा जो आता है पंचायत में वो अच्छी तरह चाहे जिस पैसा खर्च हुए और पैसा सही तरीके से सही स्थान पर लगे, ताकि लोगों को लगे यहाँ कुछ काम हुआ है। बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर बलीने तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ताज़ा अपडेट को जानने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।